टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सभी को एक अनोखे अंदाज में नए साल की बधाई दी है, जिसके बाद हालांकि विवाद भी पैदा हो गया है। तो बेहद अंदाज जुदा था मोहम्मद शमी का, जिस पर यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दरअसल शमी ने नए साल की बधाई देते हुए अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिवलिंग की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए शमी ने अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शिवलिंग की एक तस्वीर शेयर की है, जो फूलों से सजा हुआ है और वहां फूलों से हैप्पी न्यू ईयर 2018 लिखा है। शमी के ट्वीट के बाद फैंस उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। मौलवियों ने शमी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया है। शमी के ट्वीट करने के बाद से उन्हें ट्रॉल किया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि आपको सीता की बजाय माँ सीता कहना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इससे पहले भी शमी अपनी पत्नी के साथ जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर चुके हैं, उसको लेकर भी नाराजगी सामने आई थी मुस्लिम धर्मगुरुओं की, क्योंकि जो कपड़े पहने थे मोहम्मद शमी की पत्नी ने, उसको लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रॉल किया था। इतना ही नहीं, शमी और उनके परिवार पर भी भद्दे भद्दी टिप्पणियां की गई थी, कमेंट किए गए। पहली तो बात, हमारा ये नया साल ही नहीं है, इस नए साल पर इसे पोस्ट करने का हमारे लिए कोई अधिकार नहीं, और शिवलिंग पर पोस्ट करना हमारी भावनाओं को हाथ करना है। हम इसका जो है ईंट से ईंट बजाकर जवाब देंगे, इसका जवाब इसे तुरंत दिया जाएगा और इसे तुरंत जो है भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर किया जाए, चूंकि इसने हिंदुओं की भावनाओं को हाथ किया है।